दुनिया में एनवायरनमेंट की चर्चा तो लंबे अरसे से होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सामान्य मानवी के जीवन में उसका इम्पैक्ट महसूस हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट महसूस हो रहा है। और उसके कारण सब दूर एनवायरनमेंट एक चिंता का विषय बना हुआ है। और मानव जाति के सामने चैलेंज है कि इस समस्या के समाधान के लिए हम किस प्रकार से रास्ते खोजें। अभी पेरिस में COP21 के समय विश्व के नेताओं ने मिलकर के संकल्प किया, उसका तो महत्व है ही है, लेकिन वहां दो महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए गए हैं। एक, इनोवेशन की दिशा में काम करना ताकि हम फॉसिल फ्यूल से मुक्त होकर के एनर्जी में किस प्रकार से आगे बढ़ें। यूएस, फ्रांस, इंडिया तीनों ने मिलकर के इनिशिएटिव लिया है इनोवेशन का। बिल गेट्स फाउंडेशन भी उसके साथ जुड़ा है। इसके एक सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। दुनिया में करीब 122 देश ऐसे हैं कि जहां 300 दिन से ज्यादा सूरज तपता है, सूर्य प्रकाश का लाभ 300 से ज्यादा इन देशों को 300 दिन से ज्यादा मिलता है। भारत के इनिशिएटिव से उन देशों का एक संगठन हुआ है और उस संगठन का हेडक्वार्टर भारत में रहने वाला है। और सूर्य ऊर्जा का उपयोग भविष्य में कैसे किया जाए उस पर ये देश मिलकर के काम करने वाले हैं। मेक इन इंडिया का हमारा जो इनिशिएटिव है उसमें आज एक नया नजराना ये दुनिया को भी काम आने वाला है, क्योंकि बैटरी के एक नए प्रकार से रचना कैसे हो, बैटरी की लाइफ कैसी ज्यादा हो और बैटरी कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो, इस पर रिसर्च हुआ है। और उसका यह नतीजा है कि पुरानी बस में थोड़ा सा खर्च करके, अभी आपने देखा होगा बस चल रही थी लेकिन आवाज कहीं नहीं आ रही थी। अगर बस चालू करे तो पता चलेगा कि चालू ही है अभी। तो उसकी जरा सी भी आवाज नहीं है और पॉल्यूशन का तो उसको कोई अवसर ही नहीं है। अभी तो सांसद लोगों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अगर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया में अगर नई पीढ़ी के लोग इस बैटरी बनाने के काम में आएंगे आगे, तो बहुत तेजी से हम, हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें इस नई रचना को ला सकते हैं। हमारे नितिन जी को इन विषयों में रुचि भी है, वो पढ़ते रहते हैं, कुछ न कुछ खोजते रहते हैं, तो मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एनवायरमेंट की दृष्टि से टेक्नोलॉजी को कैसे उपयोग किया जाए और मेक इन इंडिया को बल देखते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए, उसमें एक सफल प्रयास किया है। मैं उनको बधाई देता हूं।